प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। पीएम कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आज तुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ भी जाएंगे, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तीसरी किस्त भी किसानों को यहां से देंगे। 3 जनवरी को पीएम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त को आज जारी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री कर्नाटक में तीसरी किस्त के रूप में करीब 12,000 करोड़ रुपयों की राशि को जारी करेंगे, जिसका लाभ 6 करोड़ किसानों को होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने स्कीम को शुरू किया था, जिसके जरिए किसानों को 6,000 रुपए सालाना की मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुमकुर पहुंचने से पहले कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया। ये किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने और काले झंडे दिखाने की तैयारी में थे। पीएम मोदी पिछली साल की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं के में छात्रों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे छात्रों के साथ बात करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 16 जनवरी को होने वाला था, लेकिन पोंगल, लोहड़ी, ओणम सहित देश के कई हिस्सों में होने वाले त्योहारों की वजह से स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, इस वजह से तारीखों में बदलाव किया गया। परीक्षा पर चर्चा के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसके विजेताओं को परीक्षा पर चर्चा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में देश भर के बच्चे और टीचर्स शामिल होंगे। बीजेपी ने साल 2020 की शुरुआत के साथ ही नागरिकता संशोधन कानून को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। आज बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। आज शाम 6 बजे जेपी नड्डा वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर ग्राउंड में जन जागरण अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद बीजेपी के घर घर जाकर नागरिकता कानून पर लोगों से भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान हमले की साजिश रच रहा है। 26 जनवरी को लेकर पाकिस्तान ने 6 आतंकियों का विशेष दस्ता तैयार किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। बीजेपी आपके खिलाफ आज से कांग्रेस का अभियान शुरू होगा। दिल्ली में कांग्रेस रोड शो और रैलियों को अंजाम दे अपने शासनकाल में हासिल उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएगी। एनसीपी के बड़े नेता और पूर्व सांसद डीपी त्रिपाठी का 67 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया। डीपी त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। डीपी त्रिपाठी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन सोनिया गांधी के विरोध में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। डीपी त्रिपाठी के निधन पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, डीपी त्रिपाठी जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रोशनी से गुरुद्वारे जगमगा गए। देश के गुरुद्वारों में आज कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रकाश पर्व और नए साल के चलते गुरुद्वारा परिसर में काफी खूबसूरत सजावट भी देखने को मिली। प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी शानदार नजारा देखने को मिला। स्वर्ण मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियां हासिल की हैं। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता का श्लोक पढ़ाने और मंदिर बनाने की बात की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जरूरत है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को गीता का श्लोक सिखाया जाए और स्कूलों में मंदिर बनाए जाए। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि एक महीने में 100 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। कोटा इतनी दूर भी नहीं कि सोनिया और राहुल गांधी वहां ना जा सके, और ये घटना इतनी मामूली भी नहीं कि मीडिया कांग्रेस सरकार की इस लापरवाही पर आंखें मूंद ले। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में 100 बच्चों की हुई मौत को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा में हाल ही में लगभग 100 मासूम बच्चों की मौत से माओं का क्रोध उजड़ना दुखद और दर्दनाक, तो भी वहां के सीएम गहलोत खुद और उनकी सरकार इसके प्रति अभी भी उदासीन, असंवेदनशील, गैर जिम्मेदार बनी हुई है।
जो कि अति निंदनीय है। उससे भी ज्यादा दुखद है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खासतौर पर महिला महासचिव की इस मामले में चुप्पी साधे रखना। अच्छा होता कि वो यूपी की तरह उन गरीब पीड़ित माताओं से भी जाकर मिलती जिनकी गोद सिर्फ उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से उजड़ कर रह गई। मायावती के ट्वीट पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि मायावती पहले घर से निकलकर जनता से मिले, जनता के मुद्दे पर मायावती महल से कब निकलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा यूपी में घर बनेंगे। इस योजना के लिए 54 लाख परिवार अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। 2022 तक हर परिवार को घर देने के लक्ष्य के तहत योगी सरकार ने 5 लाख आवासों के आवंटन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र में सरकारी जमीन के अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। सोनभद्र की 3 और मिर्जापुर की 4 सहकारी समितियों ने अवैध रूप से 6,602 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जहां समिति ने 1952 से लेकर 2019 तक के दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। 500 पेज की रिपोर्ट के साथ सीएम 600 पेज के दस्तावेज उन्हें सौंपे गए हैं। फर्रुखाबाद में महिला आयोग की सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने महिला अपराधों में वृद्धि का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। कुमुद श्रीवास्तव ने कहा कि महिला अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी विपक्षी राजनीति की देन है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने गंदी विचारधारा के नेताओं से किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए, इसलिए वो महिला अपराधों को मुद्दा बना रही है। 15 दिसंबर को छात्रों और पुलिस के हिंसा का झड़प के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। आदेश के मुताबिक 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी खुलनी थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की बैठक में यूनिवर्सिटी को अभी नहीं खोलने का फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां भी और दिन जारी रहेंगी। आगामी दिनों में होने वाली यूनिवर्सिटी प्रशासन की अगली बैठक में यूनिवर्सिटी के खुलने की डेट का ऐलान किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रतन लाल हंगलू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुलपति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस्तीफा भेजा है। कुलपति के इस्तीफे को मंत्रालय ने मंजूर करते हुए राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दी है। आरएल हंगलू साल 2016 से विश्वविद्यालय में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर निगरानी में थे। बीते हफ्ते राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उन्हें समन किया था। उन पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के अनुचित तरीके से निपटारे और छात्राओं के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र न बनाने को लेकर आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी नेता अखिलेश यादव को 1 महीने पाकिस्तान में रहने का सुझाव दिया। स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि अखिलेश 1 महीना पाकिस्तान में रहें, वहां के मंदिरों में पूजा पाठ करें, जिससे उनको वहां रह रहे हिंदुओं की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। एनआरसी और एनपीआर का विरोध करने के लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एसपी के नेता को पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को समझने के लिए 1 महीना तो पाकिस्तान रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने 20 जनवरी को प्रयागराज में बैठक बुलाई है। इस बैठक में करीब 200 संत शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर आए फैसले के बाद यह पहली बैठक है। बैठक में राम मंदिर के निर्माण और ट्रस्ट को लेकर चर्चा हो सकती है, साथ ही हिंदुत्व को लेकर हुए काम और योजनाओं पर भी चर्चा होगी। वाराणसी में 19 दिसंबर को सीएए के खिलाफ बेनिया बाग में धारा 144 का उल्लंघन करके किए गए विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार लोगों में से 56 लोगों को जमानत मिल गई है, जिसमें से 18 लोगों को चौकाघाट स्थित जिला कारागार से रिहा किया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी है। डीजीपी पेशी के लिए लखनऊ से प्रयागराज पहुंच गए। कोर्ट में सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने बिजनौर गोलीकांड में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था। बिजनौर की सीजीएम कोर्ट में गोलीकांड से हड़कंप मच गया था। गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का मामला सामने आया। इस संबंध में नोएडा के सेक्टर 20 थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी वैभव कृष्ण ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई से परेशान कुछ सफेदपोश लोग ऐसी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने लोगों से वीडियो को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड न करने की हिदायत भी दी है।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बड़ी मुठभेड़ हुई। एसटीएफ और सूरजपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बदमाश मनोज नंगला को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में मनोज घायल भी हो गया। मनोज पर पुलिस ने 1,00,000 रुपयों का इनाम घोषित कर रखा है। मनोज रणदीप भाटी और अनिल दुजाना गैंग का शार्प शूटर भी है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब खुद पुलिस भी बदमाशों से सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में देखने को मिला, जहां डायल 112 पीआरवी पर ही कार सवार बदमाशों ने गोली चला दी। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को गोली नहीं लगी। पीआरवी के सिपाही बाल बाल बच गए, लेकिन गोली से पीआरवी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उसका शीशा टूट गया। घटना के बाद कार सवार बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में बदमाश ने दिन दहाड़े बीजेपी कार्यकर्ता राहुल सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से दाहिनी आंख में दरअसल उनके ये गोली लगी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राहुल कॉलोनी में बीजेपी के अस्थायी कार्यालय पर गया था। इसी दौरान मनीष उर्फ धुन्नी ने अपने एक साथी के साथ कार्यालय के बाहर पहुंचकर और शराब पीकर तमंचे से राहुल को गोली मार दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कानपुर के बिद्रू में दम घुटने से पिता और 5 दिन की मासूम बच्ची की मौत हो गई। ठंड की वजह से बंद कमरे में अंगीठी चलाकर सो रहे थे। अंगीठी के धुएं की वजह से पिता और बच्ची की मौत हो गई, जबकि पत्नी और 2 बच्चे बेहोशी की हालत में कमरे में मिले। तीनों का कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जश्न के बीच हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में 30 दिसंबर को जन्मदिन के मौके पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सड़क पर खुलेआम तमंचे से फायरिंग की जा रही है। अपराध रोकने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त युवा सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए पुलिस उन्हें रोजगार मुहैया कराएगी। एसएसपी मुरादाबाद ने युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए प्रयास शुरू किए हैं और जिलाधिकारी को खत लिखकर सरकारी योजनाओं में युवाओं का नामांकन करने की सिफारिश की, जिसके बाद करीब 12 युवाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए नामांकित किया गया। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में तड़के एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस आगजनी की घटना पर राहत और बचाव के दौरान इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 13 फायर कर्मियों समेत 14 लोग घायल हो गए। बचाव अभियान अब भी जारी है और पुलिस दमकल कर्मी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें तड़के 4:23 पर फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। दमकल कर्मी जब आग बुझा रहे थे, तभी विस्फोट हुआ और इमारत गिर गई। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में चालान काटने पर युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर संगम विहार के रहने वाले शख्स का चालान काटा गया और उसने फिर बाइक को जब्त कर लिया गया। इसी के नाराज होकर सड़क पर ही शख्स ने अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया। राजस्थान के अलवर में कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 8 पर दुघेड़ा के पास कोहरे के कारण आपस में कई गाड़ियां टकरा गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। गाड़ियों की टक्कर से नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम भी जारी रहा। हल्द्वानी के सरकारी विभाग सालों से मुफ्त का पानी पीने के आदी हो गए हैं, जिसके चलते जल संस्थान अब सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। नए साल से बकायेदारों पर आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी विभाग पर करीब 4 करोड़ का बिल बकाया है, जिसे लेकर कई बार नोटिस थमाए गए, लेकिन पानी का बिल जमा नहीं हो पाया। ऐसे में अब इन विभागों के खिलाफ आरसी की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा कर 36 गांवों को नगर निगम में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन शामिल करने के एक साल बाद भी नगर निगम इन गांवों के विकास के लिए कोई खाका तैयार नहीं कर पाया। लिहाजा इन 36 गांवों में ना तो स्ट्रीट लाइट्स पहुंची है, ना ही सड़कों की स्थितियां बदली है और ना ही कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था अब तक हो पाई है। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में चल रहा नववर्ष महोत्सव विवादों के घेरे में आता जा रहा है। मैदान में महोत्सव के आयोजन के विरोध में आधे से ज्यादा पालिका सभासदों ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब मेले में सुरक्षा के सभी मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेला संचालक ने सुरक्षा के सभी मानकों को पूरी तरह दरकिनार सा कर दिया है। झूलों और चरखी में मानकों से ज्यादा लोग बैठाए जा रहे हैं। वहीं सवारियों की सुरक्षा के लिए चरखियों में रेलिंग तक नहीं लगाई गई है।
टिहरी के चंबा ऋषिकेश राजमार्ग पर साबरी के पास दो बसों में आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को चंबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। देवाल विकासखंड के बाण और लोहा जंग गांव में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं घाट विकासखंड के कनौल गांव में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी दिखाई पड़ रहा है। निचले इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। आलम यह है कि लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल के राजा को भी खास फूस में छुपकर ठंड से बचने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो कहीं भालू धूप सेकने को बाहर निकलकर सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं और वहीं ठंड से परेशान हिरण ठिठुरते घूम रहे हैं। इनकी तस्वीरें वहां घूमने आ रहे सैलानी जमकर खींच रहे हैं। हालांकि नए साल का स्वागत करने के लिए कड़ाके की ठंड में टूरिस्ट दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंच जरूर रहे हैं और वन्य जीवों की अनोखी तस्वीरें कैमरे में लगातार कैद हो रही है। भारत नए साल में वनडे की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। जनवरी में कंगारू टीम 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर जनवरी आएंगे। 14 जनवरी से दरअसल ये शुरुआत होगी। साल 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को 3-2 से शिकस्त दी थी। पिछली सीरीज को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद होंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 2020 में बड़ी खुशखबरी दी है। हार्दिक पांड्या ने सर्बिया एक्ट्रेस नताशा स्टांकोविक के साथ सगाई कर ली है। इसका खुलासा उन्होंने इंस्टाग्राम पर किया। पांड्या ने नताशा के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। टीम इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले मनजोत कालरा पर धोखाधड़ी करने के लिए 1 साल का बैन लगा दिया गया। पिछले अंडर 19 वर्ल्ड फाइनल में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज मनजोत कालरा को अंडर 16 और अंडर 19 के दिनों में उम्र में धोखाधड़ी करने के लिए डीडीसीए ने रणजी ट्रॉफी खेलने से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। सानिया मिर्जा के बाद अंकिता रैना ने विश्व में भारतीय महिला टेनिस की अगुवाई की है। सिंगल्स हो या डबल्स अपने खेल से सबको प्रभावित किया, जिसकी बदौलत वह आज देश की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं अंकिता का मानना है कि एक टूर्नामेंट जीतने से ग्रैंड स्लैम स्तर के खिलाड़ी तैयार नहीं होते हैं और इसके लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम फिर यहां इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 11 पैसे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता मुंबई और चेन्नई में 8 पैसे प्रति लीटर की दर से इसकी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल के दामों में 14 पैसे तक का इजाफा हुआ। साल 2020 के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 34 अंक चढ़कर 41,340.27 पर खुला और एनएसआई का निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर 12,198.55 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स की तेजी 100 अंकों को पार कर गई। साइरस मिस्त्री पर नेशनल कंपनी लो अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। एनसीएलएटी ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री के हटाने के अवैध ठहराया था, साथ ही उन्हें इस पद पर फिर से बहाल करने का आदेश भी दिया था, जिसके खिलाफ टाटा एंड सन्स अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दिसंबर में हुए टैरिफ हाई के बाद अब एयरटेल ने अपने नए प्लान पेश करने शुरू कर दिए हैं। एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए 289 रुपए और 369 रुपयों के 2 नए प्रीपेड प्लान पेश किए। इन दोनों ही प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। एक्ट्रेस सारा अली खान मालदीव में फैमिली संग नया साल एंजॉय कर रही हैं। मालदीव के समंदर में भाई इब्राहिम अली खान संग फन करते हुए सारा ने लेटेस्ट फोटोज शेयर किया। तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग और खूबसूरत नजारा काबिले तारीफ है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नए साल का जश्न अपने पति निक जोनास के साथ कॉन्सर्ट में मनाया। फ्लोरिडा में हुए इस कॉन्सर्ट की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर निक जोनास को रोमांटिक अंदाज में किस करती हुई नजर आ रही है। न्यू ईयर पर भूमि पेडनेकर ने समंदर की लहरों का लुत्फ उठाते तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। भूमि ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, अगले दशक के लिए मेरा मूड। नए साल के मौके पर उनका यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
मोनालिसा का सोशल मीडिया पर डांस वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा प्रभुदेवा के गाने मुकाबला पर डांस करती दिखाई पड़ रही है, जो उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है।